खबर राजधानी देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों को निम्बूवाला स्थित पर्यटन विभाग के प्रेक्षा गृह में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों का चुनाव के दौरान पूरा ध्यान रखें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम के संचालन से लेकर लिफाफों को सील करने तक में तय प्रक्रिया का पालन करें, साथ ही पोलिंग पार्टी में शामिल अधिकारी और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या फिर किसी अन्य व्यक्ति, संस्था से कोई सामान, वाहन या अन्य वस्तु न लें। मतदान पार्टी को आवंटित वाहन से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचाएं और उसी वाहन से वापस लौटाएं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आचार संहिता लगने के बाद हमारी टाइमलाइन होती है, उसके अनुसार जो 24 घंटे में, 48 घंटे में और 72 घंटे में हम लोगों को जो संपत्तियां होती हैं उनसे होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाने होते हैं। उसके अलावा भी डेली रिपोर्टिंग हमारी चलती है। हमारा एनसीसी का सेल, हमारा सीवी चिल का सेल और जो हमारा कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है। और आज हमारे जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनकी पहली ट्रेनिंग चल रही है गढ़ी कैंट में, और वहाँ पे ईवीएम्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस जो हमारे डिटेल किस तरह से पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कराना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है।